पूजा की विधि चल रही है। दिखाई दे रहे होंगे पूरी घाट हाउसफुल है। ये है हर की पैड़ी हरिद्वार आरा। आज देख रहे हैं चारों ओर का दृश्य और वो हाईवे है जो कि जामा अपर रोड की ओर जा रही है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है और यहीं से सबसे ज़्यादा भीड़ स्टार्ट होती है। देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं शिव चौक है ये, और शिव चौक पे आप देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या कितनी ज़्यादा है। शिव मूर्ति है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इधर सभी पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये वाली सारे गाड़ियाँ पार्किंग की ओर जा रही है, और इधर आप देख रहे हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं और लंबी लाइन इधर भी। ये आप देख रहे हैं सीढ़ी में भी जगह आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इतनी ज़्यादा श्रद्धालु आज आपको दिख। हाय दोस्तों, हर हर गंगे आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी हम खड़े हैं सबसे प्रमुख घाट हर की पैड़ी में, वो घंटा घर है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है स्नान करने के लिए, खड़े होने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलते हैं आपको यहाँ की पूरी जानकारी और पूरी दृश्य दिखाते हैं। ये जो एरिया है हर की पैड़ी के एरिया के नाम से जाना जाता है, और सारे श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी में स्नान करना होता है क्योंकि हर की पैड़ी में स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रह्मकुंड, हर की पैड़ी, महिला घाट और मालवी घाट, ये चारों घाट ब्रिज हटने के बाद जुड़ चुके हैं, और जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी भीड़ वाली आपकी। आप देख सकते हैं वहाँ पर ब्रिज हुआ करता था जो कि हटने के बाद सारे घाट एक साथ हो चुके हैं। अगर आप हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसी स्नान के तिथि में आना चाहते हैं तो आपको पहले से रूम की बुकिंग करनी होगी, क्योंकि आपको अभी हम बताएंगे और दिखाएंगे भी दृश्य अपर रोड मार्केट का, जहां पे रूम आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा नज़दीक हर की पैड़ी के पास जो है वो है अपर रोड मार्केट, और वहां पे आपको काफ़ी सारे धर्मशाला होटल की सुविधा मिल जाती है। आप अगर सबसे अच्छा पार्किंग की सुविधा देख रहे हैं जो कि हर की पैड़ी के नज़दीक हो, आपको चलने की ज़रूरत ना पड़े, वो है पंजदीप पार्किंग। आप पंजदीप पार्किंग के पास अपनी कार पार्किंग करके हर की पैड़ी आ सकते हैं और माँ गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। माँ गंगा की जल काफ़ी ज़्यादा शीतल है, ठंडी है, और आप देख रहे हैं जल की कलर भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और ये वाली जो दृश्य है आप देख रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, वहीं पे ही ब्रह्मकुंड है, और ब्रह्मकुंड के पास स्नान करना आप जानते हैं कितनी अच्छा माना जाता है। या आप ये ब्रिज देख रहे हैं, ये सबसे प्रमुख ब्रिज है जो कि हर की पैड़ी को दो भागों में बांटता है, और दोनों घाट में श्रद्धालु स्नान करना पसंद करते हैं, और दोनों घाट में ही आप देख रहे हैं श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अभी टाइम देख रहे हैं सुबह के 10 बजने को है, और श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ रही है, और आप देख रहे हैं ये पॉलीथीन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूज़ करते हैं तो आप पॉलीथीन को डस्टबिन में छोड़ के जाएँ या फिर आप अपने साथ लेके जाएँ, यहाँ पे ऐसे ही ना फेंके। काफ़ी दिनों बाद हर की पैड़ी में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरे घाट एक साथ ही देखे जा सकते हैं, और काफ़ी भीड़ भी काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रहा है। ये महिला घाट है
और महिला घाट का दूसरा हिस्सा ये है, मालवीय घाट के नाम से भी जानते हैं, और ब्रह्मकुंड आप देख रहे हैं। यहाँ पे माँ गंगा की दिव्य आरती के पावन दर्शन होते हैं सुबह और शाम। शाम के टाइम अगर आप दर्शन करना चाहते हैं माँ गंगा की दिव्य आरती के, तो आपको 1.5 से 2 घंटे पहले यहाँ पे आके आज के दिन बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं दोनों ओर, इधर मालवीय घाट है, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो शाम के आरती के टाइम भी श्रद्धालु की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो आप 2 घंटे पहले आके बैठना ना भूलें, ताकि आपको माँ गंगा की दिव्य आरती के दर्शन अच्छे से हो सकें। यहाँ पे गंगा सफाई कार्यालय है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं जो आपकी मदद करेंगे। ऐसे आपको कोई साथी बिछड़ जाता है तो आपको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा अभी हम आपको बताएंगे। सूचना प्रसारण केंद्र है जो कि हर की पैड़ी में प्रवेश करते ही आपको मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि पॉलीथीन छोड़ दिए हैं और साथ में कपड़े भी छोड़ दिए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा ना करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, क्योंकि माँ गंगा की जो सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में हम सबकी भी एक जिम्मेदारी होती है। ये है हर की पैड़ी हरिद्वार आरा, आज देख रहे हैं चारों ओर का दृश्य, और वो हाईवे है जो कि जाम है। आप देख रहे हैं काफी धीरे धीरे से गाड़ी आगे की ओर जा रही है। ये है महिला घाट और ये है भीमगोड़ा की ओर जाने का मार्ग है। चारों ओर का मार्ग आज आपको हाउसफुल दिखाई देगा। सबसे प्रमुख मार्ग है वो आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी जगह नहीं दिखाई दे रही होगी आपको। ये वाली मार्ग उधर से होके भीमगोड़ा की ओर जाएगी, अगर हम सीधे जाएंगे तो पंजी पार्किंग की ओर जा सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद ऐसी रिकॉर्ड टूटने वाली भीड़ श्रद्धालुओं की दिख रही है। वाली मार्ग अपर रोड की ओर जा रही है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है और यहीं से सबसे ज़्यादा भीड़ स्टार्ट होती है। देख रहे हैं यहाँ, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु स्नान के बाद आ रहे हैं और जा रहे हैं, और शॉपिंग करने का काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, और स्टे ऑप्शन भी काफ़ी सारा मिल जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारा होटल और धर्मशाला।